हेलो फ्रेंड, ब्रिगेंचल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 334 और धारा 335 के बारे में। धारा 334 में बताया गया है, प्रकोपन में आकर यानी उत्तेजना गुस्से में आकर कोई व्यक्ति किसी को साधारण चोट पहुंचाता है तो उसको कितना पनिशमेंट, उसको कितना दंड मिलेगी, इसके बारे में जानने वाले हैं। और धारा 335 में कोई व्यक्ति प्रकोपन यानी उत्तेजना गुस्से में आकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसको कितना पनिशमेंट, कितना दंड मिलेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना, अपने परिवार में भी इस वीडियो को शेयर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आप लोग इस विधि ज्ञान चैनल का पहला वीडियो सुन रहे हैं यानी पहली बार आप विधि ज्ञान चैनल से जुड़े हैं तो विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लेना ताकि मैं लॉ से जुड़कर किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं धारा 334 प्रकोपन यानी उत्तेजना में जानबूझकर साधारण चोट पहुंचाने के लिए दंड। कोई व्यक्ति गंभीर या अचानक प्रकोपन यानी उत्तेजना में आकर किसी अन्य व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचाता है, यदि ना तो उसका आस यानी इंटेंशन है उस व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचाने का, तो इस प्रकार के अपराध में अपराधी को धारा 334 के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 334 का जो अपराध करेगा उसको सजा जो दंड मिलेगी 1 महीने का जेल या जुर्माने, जो अधिकतम 500 तक का जुर्माना लग सकता है, या दोनों से दंडित होगा। धारा 334 जो है असंघीय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। इसका मतलब है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करेगी। और धारा 334 जो है जमानती अपराध है यानी बेलेबल ऑफेंस है। इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति गिरफ्तार भी हो जाता है तो उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। आइए हम इसको धारा 334 को उदाहरण के तौर पे समझते हैं। क नामक व्यक्ति ख नामक व्यक्ति को गाली देता है, ख गुस्सा उत्तेजना यानी प्रकोपन में आकर साधारण चोट पहुंचाता है तो ख धारा 334 के तहत दोषी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धारा 335 को, प्रकोपन यानी उत्तेजना में जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड। कोई व्यक्ति गंभीर या अचानक प्रकोपन यानी उत्तेजना में आकर किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, यदि ना तो उसका आस यानी इंटेंशन उस व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने का होता है तो इस प्रकार के अपराध में अपराधी को धारा 335 के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 335 में जो सजा जो दंड है 4 साल का जेल या जुर्माना, जो अधिकतम 2000 तक का होगा, या दोनों से दंडित होगा। धारा 335 संघीय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। इसका मतलब पुलिस को अगर कोई भी ऐसा अपराध का सूचना मिलेगी तो उसमें FIR दर्ज जरूर करेगी। और धारा 335 जो है जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस है। इसका मतलब है कि धारा 335 के तहत जो अपराधी गिरफ्तार होता है, जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है, उसको पुलिस जमानत पर छोड़ देगी। आइए हम धारा 335 को उदाहरण के तौर पे समझते हैं। क नामक व्यक्ति शादीशुदा है, क एक रोज जब अपने घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ किसी अन्य पुरुष को देखकर क नामक व्यक्ति गुस्से यानी प्रकोपन यानी उत्तेजना में आकर पुरुष व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है तो क नामक व्यक्ति को धारा 335 के तहत दंडित किया जाएगा। अभी आपने धारा 334 और धारा 335 को बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं यानी आप लोग विधि ज्ञान चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लेना ताकि मैं लॉ से जुड़कर किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मैं फिर से किसी नए टॉपिक पे बहुत जल्द मिलने वाला हूं। आपको मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।